हेलो फ्रेंड्स, हाईटेक ट्रेड में आप सबको नमस्ते। फ्रेंड्स, आज इंट्राडे का और एक बहुत ही सिंपल सेटअप लेके आया हूँ। अगर आप बिगिनर्स है, आपके लिए तो बहुत ही अच्छा है, बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है। और फ्रेंड्स, आप सबका पास मेरा रिक्वेस्ट है, पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। और अगर आप अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आज का टेक्निक अच्छा लगता है तो आज का जो वीडियो है इसको लाइक एंड शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखता हूँ सेटअप क्या है। फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल सेटअप है। इसका जो कैंडल का टाइम फ्रेम रहेगा 15 मिनट्स का नॉर्मल कैंडल। ओके फ्रेंड्स, और आपको यहाँ पे इंडिकेटर जो लेना है, कैसे ड्रॉ करना है देखिए। फर्स्ट आपको मूविंग एवरेज लेना है 34। ओके फ्रेंड्स, इसको डन कीजिए। नेक्स्ट आपको लेना है एमएसीडी 4 इंडिकेटर आपको रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इसमें आपको सेटअप जो है उसमें ट्रेड कैसे लेना है। फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल सेटअप है। अगर आप मान लीजिए बाई का कोई सेटअप ढूंढ रहे हो, तो उस टाइम में जो आपका क्राइटेरिया, फर्स्ट आपको आपका जो एमएसीडी है, एमएसीडी का बुलिश क्रॉसओवर होना चाहिए। जैसे देखिए, मैं और एक कैंडल दूसरा स्टॉक में रखा देता हूँ, सॉरी पूरा नेट स्लो हो गया, कोई बात नहीं। देखिए इन्फी का था, इसमें बाद में आता हूँ, पहले मैंने आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स, फर्स्ट जो क्राइटेरिया है, एमएसीडी का बुलिश क्रॉसओवर चाहिए। और जब आप ट्रेड ले रहे हैं उस टाइम में स्टॉक का प्राइस पिवोट जो है उसके ऊपर होना चाहिए, और 34 जो मूविंग एवरेज है इसका भी ऊपर होना चाहिए, और VWAP जो है इसका भी ऊपर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको ऐसे कैंडल ढूंढना है जो कैंडल आपका सारे जो मैं क्राइटेरिया बताया उस हिसाब से मैच करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे फास्ट कैंडल ही हमारा सारे क्राइटेरिया मैच का होता है। बट फास्ट कैंडल क्या है ना, बहुत बड़ा बन गया, तो कोई भी स्टॉक का अगर फास्ट कैंडल बहुत बड़ा बन जाता है उसको आप अवॉइड कीजिएगा। आप कोशिश कीजिएगा सेकेंड, थर्ड नहीं तो फोर्थ कोई कैंडल आपको ढूंढना चाहिए जहां पे हमारा जो सेटअप है वहां पे मैच होता है। तो सेकेंड कैंडल देखिए, यहाँ पे रेड बन गया। यहाँ पे जो भी जिस कैंडल में आपको ट्रेड लेना है वो कैंडल ग्रीन होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे जो थर्ड कैंडल है, थर्ड कैंडल हम लोगों का जो क्राइटेरिया है पूरा मैच हो रहा है। पिवोट के ऊपर भी प्राइस है, और इसका जो जहां पे क्लोजिंग दिया वो देखिए 34 जो ईएमए है इसको, और VWAP इसको, दोनों को ऊपर जाके क्लोजिंग दिया, और नीचे से जो एमएसीडी है इसका भी बुलिश का सवाल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको क्या करना है, सिंपल जिस कैंडल का हाई लो में आप ले रहे हैं उस कैंडल का लेंथ आपको मार्क करना है, मतलब मापना है। देखिए इसका लेंथ क्या आता है, देखिए थर्ड कैंडल का जो लेंथ आता है 15.60 रुपया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमेशा आपको जो टारगेट रखना है 1:2 रखना है। तो आपको क्या करना है, सिंपल जैसे यहाँ पे थर्ड कैंडल आपको आप टारगेट किया, तो इसका हाई और लो मार्क कीजिए। करने के बाद हाई का थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, जैसे थोड़ा सा बड़ा स्टॉक है 1.5 रुपये आप बफरिंग रख सकते हैं। तो जहां पे 1921 रुपया है वहां पे आप एक बाय ऑर्डर लगा आपको लगाना है। तो जैसे ही वो हाई को क्रॉस करेगा नेक्स्ट कैंडल, तो आपका जो ट्रेड है वो एग्जिट हो जाएगा। और आपको स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, स्टॉप लॉस आपको रखना है ये जो नेक्स्ट कैंडल है इसका लो का नीचे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका स्टॉप लॉस हिट होने का चांसेस बहुत कम रहेगा। ठीक है, मान लीजिए अगर आप यहाँ पे जो थर्ड कैंडल है इसका ऊपर अगर आप ट्रेड लिया होता 1921 रुपया में, तो आपका टारगेट में मैंने क्या बोला 1:2 रखने के लिए, तो आपका टारगेट आता है 1952.2 रुपीज जहाँ पे है। मान लीजिए यहाँ पे आपका आता है टारगेट, इस कैंडल में आपका टारगेट आ जाता है इस कैंडल में। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है। आपको ऐसे कैंडल ढूंढना है जो कैंडल में एमएसीडी का जो क्रॉसओवर है वो बुलिश क्रॉसओवर होना चाहिए,
उस टाइम में प्राइस जो है पिवट को ऊपर जाके क्लोज देना चाहिए, और ये जो मूविंग एवरेज 34 इसका भी ऊपर होना चाहिए प्राइस, और बीडब्ल्यूपी जो है इसका भी ऊपर होना चाहिए। आप पीछे जाके देखिए और देखिए यहाँ पे क्राइटेरिया देखिए, नीचे से देखिए कितना अच्छा बुलिश क्रॉस ओवर है एमएसडी का, और स्टॉक का प्राइस देखिए यहाँ पे थर्ड कैंडल को वो करना है, आपको टारगेट करना है थर्ड कैंडल जाके देखिए बीडब्ल्यूपी जो है इसका ऊपर जाके क्लोजिंग दिया, और मूविंग एवरेज जो 34 है उसको ऊपर जाके क्लोजिंग दिया। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे देखिए मैंने पहले यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे इन्फी है, देखिए इन्फी का जो फर्स्ट कैंडल है देखिए कितना अच्छा से हमारे सारे जो क्राइटेरिया है, देखिए नीचे से एमएसडी का बुलिश क्रॉस ओवर है, स्टॉक का जो प्राइस है पिवट को ऊपर है, और ये जो 34 मूविंग एवरेज इसका भी ऊपर है, और जो बीडब्ल्यू एपी है इसका भी ऊपर है। तो आपको क्या करना है, ये जो फर्स्ट कैंडल है इसका हायर लो मार्क करना है, लो का नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है, और यहाँ जहाँ पे आप बाई कर रही है 1:2 आपको टारगेट रखना है। अगर मान लीजिए यहाँ पे फर्स्ट कैंडल मिस हो गया तो सेकंड कैंडल रेड बन गया, रेड कैंडल बनने से आपको उसको टारगेट नहीं बनाना है। तो जैसे देखिए थर्ड कैंडल को भी अगर आप टारगेट बनाया होता, इसका हाई लो हाई और लो मार्क कीजिए, मार्क करके इसका हाई के ओवर आप टारगेट मतलब बाई कीजिए और टारगेट 1:2 रखिए, देखिए कितना अच्छा प्रॉफिट देखेगा। ओके फ्रेंड्स, तो बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है, आशा करता हूँ समझ गए होगा। फिर भी अगर कुछ डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इस जो स्ट्रेटेजी है इसका एक्यूरेसी अबव 70 to 75%। ओके फ्रेंड्स, तो कुछ भी डाउट होने से आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो जाने का पहले मेरा छोटा सा इन्फॉर्मेशन, मैं डेली इंट्राडे का कॉल प्रोवाइड कर रहा हूँ जिसका चार्जेस ओनली 1000 पर मंथ, आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर बैंक निफ्टी जो है इसका ओनली इंट्राडे का कॉल चाहिए, इसका चार्जेस 3000 पर मंथ। और अगर आपको BTST स्विंग ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का कॉल चाहिए, आपको बहुत ही लो कॉस्ट में मिलेगा 2000 फॉर 3 मंथ, आपको यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट आ सकते हैं। जैसे अभी मार्केट डाउन में है तो आप फ्यूचर में जाके अच्छा प्रॉफिट आप यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको ऑनलाइन कोर्स चाहिए इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का, आपको लो कॉस्ट में अच्छा आपको कोर्स मिल जाएगा मेरे से। और फ्रेंड्स, अगर आपका डीमैट अकाउंट अपस्टॉक, एंजल ब्रोकिंग और आस्था ट्रेड तीनों में से कोई एक ब्रोकर में मेरा अंडर में ओपन हो जाता है, मैं डेली आपको इंट्राडे का कॉल फ्री में दूंगा और ऑनलाइन कोर्स इंट्राडे का आपको फ्री में मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स अगर आपको हाई लेवरेज चाहिए आप एंजल ब्रोकिंग को टारगेट कर सकते हैं, एंजल ब्रोकिंग बहुत हाई लेवरेज देते हैं, अपस्टॉक भी अच्छा है, और ये जो तीनों ब्रोकर मतलब डिस्काउंट ब्रोकर है, इनका जो ब्रोकर बहुत ही नॉमिनल है। ओके फ्रेंड्स, ये तीनों जो ब्रोकर है, तीनों ब्रोकर का अकाउंट ओपनिंग लिंक मेरा यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। कुछ भी अगर हेल्प चाहिए तो इस नंबर में आप कॉन्टैक्ट मेरे साथ कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट कोई और अच्छा स्ट्रेटेजी लेके। ओके फ्रेंड्स, आपको सबको मेनी मेनी थैंक्स।